पूरी दुनिया में आईपीएल कैसे हुई मुत्तहिदा अरब अमारात में, कोई उसमें इंसिडेंट सामने आया? घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो घर के चिराग से ही आग लगी है। इसके जिम्मेदार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इतनी बैशिंग हो रही है, इंडिया से लोग किस किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी। अभी कुछ लोकल हमारे जो बिग नेम्स थे जिसमें सुना है वसीम अकरम भी थे, उन्होंने भी कहा जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बायोसेकर बबल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। भाई साहब, बड़ा अफसोसनाक ये दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, लेकिन ये सारा जो मामला हुआ इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? खिलाड़ियों पर, बोर्ड पर, फ्रेंचाइज पर, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, वो जो कहावत है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो घर के चिराग से ही आग लगी है। इसके जिम्मेदार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उन्होंने एसओपीस पर अमल दरामद नहीं कराया। जब आप गाने की शूटिंग के लिए टर्की जा सकते हैं, तो आप क्या एसओपीस के लिए कोई हिकमत अमली नहीं तरतीब दे सकते थे कि किस तरीके से? जिन्होंने बायो सिक्योर बबल बनाया था वो खाली बायो रहा, सिक्योर तो रहा ही नहीं। और शोएब अख्तर ने कल एक, आपने देखा होगा वैस, कि उन्होंने एक वीडियो जारी की कि जिन्होंने टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं कराया वो इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की सुक्की हुई है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि जिम्मेदार लोगों का क्या हो गया अचानक कि वो इस किस्म के अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। और हर जगह कोविड है, ये कहीं और भी हो रहा होता और केस आ जाते तो वहां पे भी इसी तरह बंद हो जाता, ये कहने की क्या बात है कि टेप बॉल का नहीं करा सके? और दूसरी चीज मिर्जा साहब, ये भी बताइएगा कि जो बायो सिक्योर बबल है वो भी उस तरह से तो नहीं इफेक्टिव हो सकता, क्योंकि वही लिफ्ट है, उसी में खिलाड़ी ऊपर से नीचे उतर रहा है, उस होटल में बाकी भी दुनिया सारी ठहरी हुई है, पार्टियां, वो होटल पूरा बुक कर लेते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो ये अकल अगर पहले लगानी होती तो ये बताइए मिर्जा साहब। नहीं, लेकिन आप जो कह रही ना शिफा के कोविड, पूरी दुनिया में आईपीएल कैसे हुई मुत्तहिदा अरब अमारात में, कोई उसमें इंसिडेंट सामने आया? T10 लीग कैसे हुई अबू धाबी में, कोई इंसिडेंट सामने आया? हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? उधर तो आप बुनियादी वजह ये है, टेस्ट कराएंगे निकलने से बाद से, पहले टेस्ट कराएंगे, उधर तो टेस्ट ही टेस्ट है, 5,000 दिरहम जुर्माने हैं, तो उधर अगर हमारा भी होता तो वो ठीक हो जाता, उम्मीद है। नहीं तो हम क्यों नहीं टेस्ट कराते जो एसओपीज हैं? जिस तरह से अभी लंकन प्रीमियर लीग हुई, चलें आप दुबई को छोड़ दें, अबू धाबी को छोड़ दें, लंकन प्रीमियर लीग में भी तो कोई वाकया सामने आया कोविड का? नहीं आया सामने। इसका मतलब ये हुआ कि हम सख्ती से उन चीजों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। हमने बहुत आसान लिया और 3 दिन के बाद दुनिया में वहां पर गए, आप देखें 7 दिन के बाद क्वारंटीन के बाद प्लेयर्स को अलाउ किया गया लंकन प्रीमियर लीग में, यहाँ 3 दिन के बाद आपने अलाउ कर दिया। वहां पर आप सालगिरह मनाई जा रही है जो होटल के अंदर, फैमिली साथ है और लोग आ रहे हैं, वहां कमर्शियल शूट हो रहा है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? ये पाकिस्तान का ब्रांड है। आप देखें ओएस कि कितनी बैशिंग हो रही है, इंडिया से लोग किस किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी। अभी डेव स्टेन ने कहा था कि वो आईपीएल जो है वो तो इंडिया में तो क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ पैसों की क्रिकेट होती है, वो हम उस पर खुश हो रहे थे कि देखो उसने क्या बात कर दी और पीएसएल को कितना ऊपर ले गया वो, लेकिन अब हमारे साथ भी ये देख लें क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत मतलब जिसे कहते हैं मायूस कुन सूरत हाल है। इनको चाहिए था इंश्योर करते, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये लीग है, आप देखें अब इस लीग के मुलतवी होने से कितने लोग मुतासिर हुए, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, जो वेंडर्स थे, जो कितने लोगों को असर पड़ा है, फिर टेलीविजन के जो टाइमिंग्स थे, जो स्पॉन्सर्स थे, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ा है। तो समीर साहब आप लोगों का प्लान है क्या, लाहौर कलंदर का क्या प्लान है, और आपको क्या लगता है ये जो बाहर से प्लेयर्स वगैरह आए हुए हैं वो उनका क्या होगा? देखिए ऑब्वियसली ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इसने पूरी लीग को और पूरे पीएसएल ब्रांड को अनसर्टेनिटी का शिकार कर दिया है। ऑब्वियसली जब भी प्लेयर्स अब आएंगे दोबारा और मैनेजमेंट या सारे लोग आएंगे तो ब्रेन में डाउट्स होंगे। अब ये जो आने वाली सीरीज है पाकिस्तान में जो होनी थी, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखें ओएस, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। मैं ये कह रहा था कि आप देखें दुनिया में, अमेरिका हुआ, भारत हुआ, यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, वहां पर किस तरीके से कोविड फैला, पाकिस्तान में हमने इतना काबू किया और उसके बावजूद पीएसएल के जरिए जो हमारी बदनामी हुई है, जिस तरह से ये मुलतवी हुआ कि जी कोविड पर हम काबू पाने में नाकाम रहे, गैर मुल्की क्रिकेटर्स इतने खौफजदा हैं, उन्होंने मेल की अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस को कि दे वॉन्ट टू गो बैक टू देयर होम, और उनकी फैमिलीज वरीड थी, तो आखिर ये हो क्या रहा है? इससे हमारी बदनामी है, ये हमारा ब्रांड है। जब 2016 में शुरू हुआ था
तो हम लोग समझ रहे थे कि ये नहीं कामयाब होगा, लेकिन आईपीएल के बराबर हमने इसको खड़ा करके अब हम इसे खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, तो यकीनन ये बड़ी ही अफसोस की बात है। अच्छा मिर्जा साहब, मजे की बात यह है कि शोएब अख्तर की वीडियो के बाद मुझे वो ख्याल आ गया जो पिछली दफा हमारी पाकिस्तान की टीम गई थी, न्यूजीलैंड गालिबन गई थी, वहां पे भी उनको तड़ियां वड़ियां लगाई थी कि अगर आप लोग ठीक ना हुए, वो बंदे दे पुत्र ना बने, तो हम आपको वापस भिजवा देंगे। उस पर बड़ा लान तान हुई थी हमारे खिलाड़ियों की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है ना, वही करा रहे हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सब कुछ। तो मैं समझता हूँ ठीक है हमारे लड़के गए, क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसको इस तरह से कराता कि बिल्कुल। आप देखें लंदन प्रीमियर लीग में जो बायो सिक्योर बबल बनाया, इंग्लैंड से लोग आए। मैं आपको हैरान करते हैं जो आपको भी नहीं पता, वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम लाहौर कलंदर्स जो कि प्रीवियसली भी पॉजिटिव था और वो इंग्लैंड भी नहीं जा सका था, और उसके बाद आपने उसको हिस्टोरिकल केस कह दिया जबकि उसका पीसीआर पॉजिटिव था, यानी उसको री इन्फेक्शन हुई। एक मैच वो नहीं खेला, सैमी का और वहाब का इंसिडेंट होता है और वो अगला मैच खेल रहा होता है। सो हाउ डिड यू नो कि वो कोविड पॉजिटिव था या नहीं था? कि आपका 3 मार्च 2009 को जो श्रीलंकन टीम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से 10 साल आप क्रिकेट के बगैर रहे, वो आपका 10 साल की आइसोलेशन ना होती अगर उस वक्त की मैनेजमेंट पीसीबी की वो पकड़ लेती कि कहां पे लैप्स हुआ, क्योंकि लैप्स आपका था, आपको इंफॉर्मेशन आई हुई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो अगर आप डेटरेंस क्रिएट करते और आप जवाब भेजते आईसीसी को, जो इंतजार करता रहा कि आपने फैक्ट फाइंडिंग किया या नहीं किया, और आपने उसको डिले किया अपनी ईगोटिस्टिकल अप्रोच में, और वो ये ना शाइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, एंड इन द एंड यू सफर्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। फॉर गॉड सेक ये रिपीट ना करना, ठीक है? मेरे से कोई गलती होती है, आई हैव टू स्टैंड अप एंड से कि ये मेरी गलती है। बिल्कुल, अगर आप ये नहीं करोगे, पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की बात है, पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू एंड यू आर गोइंग टू बी हर्ट इन द एंड। कोई सुना है तीन चार केसेस और निकले पॉजिटिव कोविड-19 के, उसके बाद जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि जी हमें वापस जाना है, वो एक इशू खड़ा हो गया। फिर कुछ लोकल हमारे जो बिग नेम्स थे जिसमें सुना है वसीम अकरम भी थे, उन्होंने भी कहा जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बायोसाइकिल बबल, और वो भी अपने घर की तरफ जाने की तैयारी कर। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए, तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे, ठीक है? उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो, उसके लिए तो वो खुद ही हैं।